मेरे प्यारे भाइयों, मैं सारा रहे से उस समय जुड़ा जब मैं जैसा नहीं आया था। जब सामना ने से हमारे सीनियर नेता भाई साहब संजय जी गुजर सांसद का चुनाव वसुंधरा जी के लड़के के खिलाफ पहला चुनाव झालावाड़ 12 से लड़े थे, पर उस समय मेरे पिता हेलो तो सांगानेर से जो मेरा रिश्ता है वो जयपुर में आने से पहले जुड़ गया था जब मैं विश्वविद्यालय में नहीं आया था। और हेलो तो संजय जी भाई साहब जो आपके सांगानेर के हैं और झालावाड़ से वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत सिंह जी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े थे और मैं छोटा सा था, और मुझे पता है आज भी कि संजय जी भाई साहब को मेरे गांव में घोड़ी पर बिठाकर जो स्वागत और सत्कार किया था उसको शायद संजय जी भाई साहब कभी जिंदगी में भूले नहीं होंगे। और आज भी मैं संजय जी भाई साहब से कभी मिलने जाता तो ये कह रहे क्या कल्याण सिंह जी के क्या हाल है, मेरे पिताजी के क्या हाल है। उन्होंने संजय जी भाई साहब ने कहा कि यार मैंने राजनीति में बहुत लंबा चला अनुभव है लेकिन तेरे पिताजी जैसा व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं देखा, कभी ऐसा मुझे आप पूछना। और इस सामान्य में फिर जब मैं जयपुर में आया तो गुरु जी भाई साहब मुझे जो है मतलब साथी थे हमारे साथ रहे। मैं जब जयपुर गया जिला परिषद चुनाव 12 में लड़ा तब भी आपके सामान्य से एक स्पोर्ट को लेकर गुरु जी भाई साहब, और वो 2010 में मेरे 12 में मेरे वाइफ को जिला परिषद का प्रचार करने भी गए थे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सब लोग यहाँ इस सांगानेर में इस जगह पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो 26 तारीख को जो चुनाव है और उस दिन जो निर्णायक चुनाव है उसमें हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको समर्थन करना चाहिए और किसको अध्यक्ष बनाना चाहिए, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में छाप छवि वाली एक ऐसे अध्यक्ष बने जो विश्वविद्यालय के छात्रों के तो काम करे, छात्रों के लिए काम करे। और मैं मानता हूँ कि एक जिस तरह से पहले प्रभात चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली महिला अध्यक्ष बनी और जिस तरह से पॉजिटिव विश्वविद्यालय की राजनीति की, उसी तरह से अगर आप उस मेरी छोटी बहन यानिका को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाते हो तो ये आप सभी छात्रों के लिए, आप सभी युवाओं के लिए विश्वविद्यालय में काम करेगी। और मैं ये वादा करता हूँ, मैं प्रोमिस करता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं निहारिका के साथ मिलकर भाई नरेश, भाई अशोक जी भागने, हमारी जो पूरी टीम है भाई लोकेंद्र जी, राजवीर गुजर जी, पूरे राजस्थान में छात्र हितों के लिए, छात्रों की सुरक्षा के लिए, हमारी जो छोटी बहन है उनकी शिक्षा को निःशुल्क कराने के लिए, छात्र हितों के लिए विश्वविद्यालय में जिन छात्रों को लिए इम्पोर्टेंट नहीं, जिन वर्गों के हॉस्टल नहीं है, जिन लोगों के लिए कोई बोल चाल नहीं है, वो अपनी बात रखने वाला नहीं है, उन सब के लिए हम अपनी बात को रखेंगे दरदारी से, उनके हितों के लिए सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ मित्रों, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की छोटी सी राजनीति में जितना मैंने सेवा मैंने सभी वर्गों को दिया है, सभी लोगों के लिए मैंने काम किया है। मैं पहली बार है छोटी बहन निहारी का चोरवाल के लिए वोट मांग रहा है और मैं जितनी उम्मीद करता था, मैं जितनी आशा करता था उससे हजार गुणी ताकत में हर से डबल कई गुणी ताकत में सभी वर्गों के लोग, सभी समाजों के लोग आप सबकी ताकत से 26 तारीख को इन दोनों पार्टियों के दो ही मिस्टर गोल करके